तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे एयर पोल्यूशन के अगले कॉन्सेप्ट वीडियो की ओर, जिसका नाम है कंट्रोलिंग वेहिकुलर एयर पोल्यूशन, अ केस स्टडी ऑफ दिल्ली। आई होप आप सबको पता होगा कि दिल्ली में पोल्यूशन कितना ज्यादा होता है, और पोल्यूशन इतना ज्यादा है दिल्ली में कि 1990 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं उसमें से दिल्ली चौथे नंबर पर रैंक किया गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को कि इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जाएं। तो अब हम देखते हैं क्या क्या मेजर्स लिए गए ताकि हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएं दिल्ली के अंदर। तो सबसे पहले सीएनजी बसेस को लागू किया गया, और बाय द एंड ऑफ 2002 जितनी भी बसेस दिल्ली में रन होती हैं वो सारी की सारी सीएनजी में कन्वर्ट कर दी गई। तो क्या आप सोच सकते हैं कि हमने इसको सीएनजी में ही क्यों स्विच किया, वाई सीएनजी? तो सबसे पहला रीजन ये कि अगर पेट्रोल या डीजल से कंपेयर किया जाए तो ये ज्यादा एफिशिएंटली बर्न होता है, उसके साथ ही साथ पेट्रोल या डीजल से ये चीपर यानी सस्ता भी पड़ता है। उसके साथ साथ कोई भी थीव्स इसको अडल्टरेट नहीं कर सकते, मतलब इसकी क्वालिटी को नहीं खराब कर सकते, और ना ही सिफन कर सकते हैं, मतलब इसको वहां से हटा भी नहीं सकते, लिक्विड को कहीं और ट्रांसफर नहीं कर सकते। और मेन प्रॉब्लम इसको स्विच करने में ये आई कि सारी की सारी पाइपलाइंस को ले डाउन करना पड़ा ताकि सीएनजी की डिलीवरी हर जगह जो भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं वहां तक बिना इंटरप्ट किए आसानी से पहुंच पाए। सीएनजी के यूज के अलावा और क्या मेजर्स हैं जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लिए गए? तो सबसे पहले फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, मतलब जितने भी पुरानी गाड़ियां हैं उनको यूज से हटा दिया गया, बिकॉज पुराने जो व्हीकल्स हैं वो ज्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं। उसके साथ ही साथ फ्यूल्स में अनलेडेड एंड लो सल्फर पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल किया गया। गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज किए गए, जिनके बारे में अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया था। उसके साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए गए जिसमें पोल्यूशन लेवल के नॉर्म्स बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाने लगे। इन मेजर्स के साथ साथ न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी लागू की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके चलते बहुत ही स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉलो किए गए, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए गए फ्यूल्स के लिए, ताकि सल्फर और एरोमेटिक कॉन्टेंट जो होता है पेट्रोल और डीजल में उसको अच्छे से अच्छे लेवल तक रिड्यूस किया जा सके। तो यूरो थर्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो आपका सल्फर है उसका जो अमाउंट है वो 350 पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए डीजल के केस में, साथ ही साथ 150 पार्ट्स पर मिलियन पेट्रोल के केस में। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो 42% ऑफ कंसर्न फ्यूल हो। गोल क्या है? जो सल्फर है वो 50 पार्ट्स पर मिलियन हो डीजल एंड पेट्रोल में, और साथ ही साथ जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो 35% हो ऑफ कंसर्न फ्यूल। भारत स्टेट सेकंड में यूरो सेकंड जो नॉर्म है वो एप्लीकेबल नहीं रह गया इंडियन सिटीज में। जो मास एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया के उसके अकॉर्डिंग जितना भी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं, उन पे क्या क्या नॉर्म्स लगाए गए हैं और वो कौन कौन सी सिटीज में इम्प्लीमेंट किए गए, अब हम वो देखेंगे। तो जितने भी फोर व्हीलर्स व्हीकल्स हैं उस पर भारत स्टेज फोर का नॉर्म लगाया गया, और वो थ्रू आउट द कंट्री सिंस अप्रैल 2017 लागू हुआ। उसके बाद जितने भी थ्री व्हीलर्स हैं भारत स्टेज फोर उन पे थ्रू आउट द कंट्री सिंस 1 अप्रैल 2017 लागू हुआ। साथ साथ जो भी टू व्हीलर्स हैं उस पे भारत स्टेज फोर अगेन थ्रू आउट द कंट्री सिंस अप्रैल 2017 लागू हुआ। इसकी वजह से जो एयर क्वालिटी है दिल्ली की वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई, विद सब्सटैंशियल फॉल इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड लेवल्स बिटवीन 1997 एंड 2005।